कुकिंग बाय परमजीत कौर। हाँ जी, आज की बना रहे जी? आज असि मैंगो फिरनी बनावांगे जी। लो जी, आज असि बना लगे जी मैंगो फिरनी, ते असि उन बनानी शुरू कर दिया जी। सब तो पहले असि गैस ते दूध गर्म करन वास्ते रख देने जी। ये फुल क्रीम आधा लीटर दूध है जी। ये देखो जी, 25 ग्राम असि चावल लेने जी, ते 1 घंटा पहले असि भिगोते सी, ते मिक्सर ग्राइंडर च असि उन्हां नूं मोटा मोटा करना सी। असि बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी है जी, दरदरा करना है। ये देखो जिहड़े असि भिगोए होए सी, थोड़ा जिहा इहदे च पानी आपे एंटर हो गया, नाल बस इन्ना की करना है दरदरा करन वास्ते। हाँ देखो जी, इस तरह से मोटा मोटा इन ग्राइंड कर लिया, दरदरा है। लो जी, दूध साडा गर्म हो गया जी, उबाला आ गया। तो जिहड़े असीं दरदरे चावल कीते ने उह असीं इहदे च ऐड कर लो जी, उह असीं ऐड कर दित्ते ने। देखो जी, मैंगो फिरनी बनानी बड़ी आसान है, इवन एक बिगनर भी इहनूं बड़ी आसानी नाल बना सकदा है। और बनदी भी बड़ी स्वाद है, और हर एज दे परसन नूं बहुत अच्छी लगती है, बच्चों भी, यंग भी और बुजुर्गों। लो जी, इन ये जो सा फ्लेम है लो टू मीडियम चलना जी, जो ज़्यादा तेज हो जाए तो घटा दौ, बहुत घट जाए थोड़ा जहा बता दौ। तो असी इन्नी कु देर दूध रखना जो ये अद्धा रह जाए, यानी कि जे अद्धा लीटर है तो कुक होने तो बाद इस तो अद्धा रह जाना चाहिए। बस ये भी इनू असी थले नहीं लगन देना, इनू लगातार हिलाते रहना। असी इनू फ्लेम लो ते कर दिता। ये देखो जी, साड़ी जिहड़ी असी फिरनी बना रहे, दुध बहुत गाढ़ा हो गया जी। ये तकरीबन चावला दरदरापन दिख रहा है। देखो, हाँ देखो जी, दरदरापन चावला दिख रहे हैं। अदो ये मोटे मोटे से जिहड़े चावल दरदरे कीते हैं वो भी इस नजर आ रहे हैं। देखो ये गल चुके ने बिल्कुल। इस स्टेज पे असि चीनी ऐड करा, कितनी चीनी है जी? 30 ग्राम। असि 30 ग्राम चीनी पाई है, बाकी तुसी आपके टेस्ट के मुताबिक वाधू भी पा सकते हो, घट भी पा सकते हो। फिलहाल असि दूध नूं देखो जी, गर्म करने तो बाद 10 मिनट तक रखिया गैस से, 10 मिनट च ये साडा बिल्कुल तैयार हो गया जिहो जिहा सानूं चाहिए सी। लो जी, चीनी मिक्स हो गई, ते गैस असीं बंद कर दित्ती। तो हुण इहनूं ठंडे होण दा इंतजार करांगे, नैक्सट प्रोसैस तां करांगे जदों अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा। जद तक ये ठंडा हुंदा, जद तक असीं इहदे वास्ते मैंगो तैयार करदे हां। किस तरह दा इस मैंगो पाउणा जी? और जी, मैंगो नूं असीं इस तरह छिलका उतार देना, ते इहदा सारा पल्प असीं इहदा उतार लेना। ਅਤੇ ਮੈਂਗੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਲਪ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਧਾਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਛਿਲਕਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਫਾਈਨ ਪੇਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। लो जी, हुण मैंगो पल्प ऐड कर दें जी। ये असी फाइन पेस्ट मिक्सर ग्राइंडर च बना ली सी, ते इहदा वेट जिहड़ा 200 ग्राम है, 200 ग्राम असी जिहड़ा पेस्ट है मैंगो दा, उह असी ऐड कीता जी इहदे च। बहुत सोहणा इहदा कलर आया जी। अच्छी तरह इहनूं असी मिक्स कर देना। देखो जी, कितना आसान है फिरनी बनाना। जो भी असी इहदे च ऐड करना जी मैंगो का पल्प, इन पहले पूरी तरह ठंडा कर लेना, ता ऐड करना। जो गर्म गर्म च पा दिए तो दुध के फटन का डर रहता। लो जी, सर्विस बाउल च शिफ्ट कर दें। लो जी, थोड़े जे असी मैंगो के पीस इहदे च ऐड करांगे।
लो जी मैंगो फिरनी साड़ी तैयार है, बस इन असी दो एक घंटे वास्ते फ्रिज च रख देना, जे ठंडी ठंडी खाधी जाए तो बहुत स्वाद लगती है। लो जी मैंगो फिरनी बन के साड़ी बिल्कुल तैयार है, उम्मीद करते हैं तुम पसंद आएगी, एक बारी बना के देखो और कमेंट जरूर दियो कि तुहानू साड़ी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।